उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रहा है। इसी बीच खबर है कि योगी सरकार का ये डंडा सपा के एक नेता पर चला है, जो कि कोई आम नेता नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर है, जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जीता है, फिलहाल जेल में बंद है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर माफिया की 5 से 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस प्रशासन ने उसकी बेशकीमती जमीनें और मकान कुर्क कर दिया है। ये वही माफिया मुजफ्फर है जो धनबल और बाहुबल से सपा के टिकट पर नैनी जेल में बंद रहते हुए कौड़ीहार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गया था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ फूलपुर, नवाबगंज, कौशाम्बी, खागा, फतेहपुर में गो तस्करी जैसे संगीन अपराध के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने खुद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ माइक से मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई की। ये संदेश भी दिया कि अपराध और अपराधियों का साथ देने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। कुख्यात गो तस्कर और दुर्दांत माफिया मुजफ्फर की काली कमाई से संबंधित करोड़ों रुपए के 5 बड़े प्लॉटों की कुर्की की कार्रवाई की गई है। जिन संपत्तियों में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है उसमें मकान, दुकान और जमीन शामिल है। थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है, इसमें हमने हिस्ट्री शीटर कुख्यात गौ तस्कर माफिया मोहम्मद मुजफ्फर की तकरीबन 5 से 6 करोड़ कीमत की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया है, यानी कुर्की की कार्रवाई की है। इसके खिलाफ 2 दर्जन के आसपास मुकदमे प्रयागराज और अन्य जिलों में दर्ज पाए गए हैं। यह एक कुख्यात जघन्य अपराधी गौ तस्कर एक माफिया है, जिसका हिस्ट्री शीट पूरा मुफ्ती थाने पर 15B के नाम से खुली हुई है और इसके सारे काले कारनामे इसमें दर्ज है। बता दें कि मुजफ्फर के खिलाफ नवंबर 2018 में नवाबगंज थाने में DCM में भरकर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और अरेस्ट भी किया गया था। उसी दौरान उसके गौ तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। यही नहीं, मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस के रिकॉर्ड में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी में करीब 30 मुकदमे दर्ज है। यही कारण है कि उसकी पहले 7 जुलाई 2021 को हिस्ट्री शीट खोली गई और 14 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। वो लंबे समय से गौ तस्करी के कारोबार में शामिल था। उसके गिरोह के खिलाफ पूरा मुक्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस वक्त वो नैनी जेल में बंद है।